गोंडा में तत्कालीन मायावती सरकार में गांव की नाली सीधे तालाब से जोड़ने की प्राथमिकता में शामिल थी और मुख्यमंत्री के गांव निरीक्षण में यह मानक स्वयं मुख्यमंत्री ही देखती थी। लेकिन समय बीता, सरकारें बदली, एक के बाद एक तालाब पर कब्जे होते गए। अब डीएम नेहा शर्मा ने तालाब को अपनी रडार पर ले लिया है और शहर में तालाब पर कब्जे की शिकायत पर स्वयं मौके पर बारिश में पहुंच गईं तो प्रशासन की चहुओर जय जयकार होने लगी। डीएम ने सीआरओ व एडीएम द्वारा लेखपाल से तालाब पर अवैध कब्जे पर एफआईआर की रिपोर्ट मांगी है। अब शहर व गांव में एक से दो तालाब पर कब्जे की रिपोर्ट लेखपाल को दर्ज करानी होगी। दैनिक भास्कर ने शहर के बरिहारपुरवा में तालाब पाटने की घटना की पड़ताल की तो मोहल्लावासी खुश नजर आए। अतिक्रमणकारियों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। रिपोर्ट हरिनारायण शुक्ला, दैनिक भास्कर, गोंडा। श्रवण कुमार नाम है, मोहल्ला ददुआ बाजार, सुनार गली। ये बाजारपुरा में लगता है? जी, बरियापुरा में लगता है। यहाँ कल डीएम साहब आए थे? हाँ, कल डीएम साहब आए थे और उन्होंने पानी की निकासी हम लोग लिए वो दिए थे। जन शिकायत तो आश्वासन देकर गई है कल की अब आपका लोग का पानी खुल जाएगा। और जो पानी जाता था पहले, ये पीछे तालाब था उसमें जाता था। तो क्या तालाब उसमें क्या? अब वो पट रहा, कोई ले लिया शायद, ऐसे कुछ मामला है। और उन्होंने कहा कि तालाब आपका खुल जाएगा और पानी जाएगा आप लोग का। ये भी ददुआ बाजार है और यहाँ मतलब हमारे पीछे तालाब में 50 साल से हम लोग के यहाँ का पानी जा रहा है, लेकिन ये तालाब कटने के कारण से मतलब जल हम लोग के आगे पानी भर रहा है तो हम लोग को बहुत दुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है। जब तालाब पट रहा है जी, तो क्या डीएम साहब कल आई थी? जी हाँ, बिल्कुल आई थी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही कहा कि आप लोग चिंता ना करिए, इसका कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए पकट हो सबूत मतलब करा जाए, कार्रवाई होगी इसके लिए। पर ये कौन सा मोहल्ला है? ददुआ बाजार, सुनार गली। ये बाजारपुरा में लगता है? जी। ये कल डीएम साहब आए थे आपके यहाँ? जी। क्या है मामला? ये नाली हम लोग का भर जाता है, पीछे का गढ़ा 50 साल से पूरा पड़ा था तालाब। हाँ। और पूरा तालाब पड़ के हम लोग को बहुत आने जाने को परेशानी होता, बच्चों को पानी आपके घर से नहीं निकल रहा है? बिल्कुल नहीं निकल रहा है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? कहा कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है, कौन सा मोहल्ला है? कल डीएम साहब यहाँ आई थी, कोई तालाब अवैध पाटा जा रहा था, थोड़ा पर्ची देते रहा है। मैं सत्यप्रकाश गुप्ता इसी मोहल्ले का वासी हूँ और ये ददुआ बाजार बरियारपुरवा क्षेत्र लगता है। यहाँ 100 वर्षों से तालाब था जिस पर कुछ लोग, भू माफिया लोग मिलकर इसको अतिक्रमण कर रहे थे, पटवा रहे थे, जिसके बारे में मैंने जन शिकायत भी किया था। उसके बाद गैर कानूनी रूप से दबाव भी बना रहे हैं कि शिकायत न पहुँचने पर तालाब पड़ जाए और पानी कहाँ जाएगा उसके बाद। तो डीएम साहिबा को हम मोहल्ले वासियों ने मिलकर एक जन शिकायत की थी, उसके फलस्वरूप कल उनका औचक निरीक्षण हुआ है जिसमें उन्होंने मौके पर निरीक्षण किया है। तमाम एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और डीएम साहब सब लोग मौजूद थी, उन्होंने मौके पर निरीक्षण किया और कहा है कि पानी निकासी की व्यवस्था जल्द से जल्द बनाई जाएगी, जिसके लिए नगर पालिका के जो है अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। ये तालाब डब्बू अग्रवाल, उनकी माता जी के नाम से है, इन्होंने भूमाफिया खलील टायर वाले से लिया था और ये जिस गाटा संख्या में पटवा रहे हैं वो गाटा संख्या भी नहीं है, जन शिकायत में ये भी आ रहा है। लेकिन जबरदस्ती प्रशासन को मिलाकर, निम्न अधिकारियों को मिलाकर यह पटवाया जा रहा था। इसके विरुद्ध बाद में हमने लिखा पढ़ी जब किया मोहल्ले वासियों ने तो दोबारा एक्शन हुआ है और जो है कार्रवाई का आश्वासन मिला है और 5 सीट बनाई जाएगी। हाँ, धमकियाँ भी मिल रही हैं और तमाम धाराओं को लगाने के लिए, दबाव बनाने के लिए कि कोई अपना शिकायतकर्ता मुँह न खोले और हम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएं। और प्लाटिंग भी शुरू कर दिए हैं ये लोग, और मोहल्ले के कुछ विरोधियों ने, कुछ लोगों ने खरीद भी लिया है, जिनको भय है कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जो है डीएम साहब इसको तालाब ही करवा दें।